हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल माय गार्डन में। विंटर का सीजन है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स फ्लावरिंग कर रहे हैं। उसमें एक नाम है यूफोर्बिया मिली, जिसमें कई सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि यूफोर्बिया मिली की केयर कैसे की जा सकती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, नॉर्मल मिट्टी की ज़रूरत है, जैसे हम और प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। मिट्टी के साथ अगर हम कंपोस्ट और थोड़ा कोकोपीट डालेंगे तो और भी अच्छा होगा। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 4-5 घंटे की धूप इसे डेली चाहिए। आप इसे कंपोस्ट खाद महीने में 2 बार दे सकते हैं, ताकि फ्लावर अच्छे से खिले रहे। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने इसके पत्ते कुछ काट दिए थे, ताकि फ्लावर अच्छे से दिखे। तो जब भी ये फ्लावरिंग करने लगे, इसके बड़े पत्ते जो है ऐसे आप सीजर की सहायता से काट लें। इसमें कांटे बड़े बड़े होते हैं, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए पत्ते काटते समय। आप जब भी इसे रिपोर्टिंग करें, उसके लिए भी केयरफुल रहना चाहिए। इस मिट्टी से निकाल कर आप अलग लगाते हैं, तब कांटे चुभने की संभावना होती है। इसमें फ्रेंड्स अलग अलग कलर आते हैं। मेरे पास लाइट कलर है, लाइट पिंक कलर, रेड कलर में भी आता है, और भी कलर में ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आप इसे नर्सरी से ला सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा पौधा है ये। ज़्यादा धूप में भी ये पौधा सरवाइव कर जाता है, लेकिन समर सीजन में हम इसे शेडी एरिया में रखें तो अच्छा होता है। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स यूफोर्बिया मिली के बारे में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।